आप है ना, रिकॉर्डिंग शुरू होती है, आप शुरू कर दे। जी सर, स्टार्ट कीजिए। आप अपना परिचय दीजिए संक्षिप्त सर मैं जोधपुर से हूँ और मेरी शिक्षा जोधपुर से हुई है। मैंने 12th क्लास नवीन उच्च माध्यमिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल जोधपुर से किया है और पोस्ट ग्रेजुएशन मैंने पॉलिटिकल साइंस में किया है। और सन 2001 से 2016 तक मैं कांस्टेबल जीआरपी में कांस्टेबल के पद पर पदस्थापित रहा हूँ और 31 मार्च 2016 से वर्तमान मैं लगातार सहकारिता निरीक्षक के पद पर जोधपुर में सेवाएं दे रहा हूँ। बॉडी बिल्डिंग मेरी हॉबी है सर। पुलिस में काफी लंबा अनुभव रहा आपको, तो कुछ केस वगैरह की जांच भी करते थे क्या? सर केस में जांच में सर सीधा मेरा इस तरह का कोई अनुभव नहीं रहा है और अधिकतर मैं ऑफिस और लाइन और ट्रेनिंग सेंटर में मेरी सेवाएं रही है सर। आप ये बताइए कि हमें एक अच्छे आरए से ऑफिसरों का चयन करना है, तो हम आपका चयन क्यों करें? आपका क्या ऐसी विशेषता आपको जो हम सोचें आपके बारे में कि आपको सिलेक्ट करें? सर मेरे अंदर डिसिप्लिन और जो आरएस के अंदर जो मेरिट्स चाहिए वो मेरिट्स मेरे अंदर मैं समझता हूँ कि है। अनुशासन और कठिन परिश्रम और लगातार परिश्रम करने की मेरे अंदर क्षमता है। निर्णय लेने की मेरे अंदर क्षमता है और लोगों को जो है कोई यदि मेरे पास में ग्रीवेंस लेकर के आता है तो उससे अच्छे से संवेदनशीलता से सुनने की मेरे अंदर क्षमता है और यथासंभव जो भी उस समय नीतियों के अनुसार उनको जो रिलीफ दे सकता हूँ वो भी मैं जो है देने का प्रयास कर सकता हूँ। तो इन गुणों के आधार पर मैं स्वयं को सर आरएस के लिए बेहतर समझता हूँ। क्या तीन चार क्या ऐसे नवाचार हैं जो आप प्रशासन में आ गए तो आप करेंगे? सर सबसे पहले नवाचार ये जो जो भी कोई ग्रीवेंस लेकर के मेरे पास आएगा तो उसे मैं अच्छे से सुनूंगा और यथासंभव जैसे ही उसका कोई जो है उपचार होगा मैं उसको तुरंत दूंगा। दूसरा सर जो है अनुशासन और टेक्नोलॉजी और भ्रष्टाचार के विरुद्ध मैं कार्य करने का प्रयास करूंगा ये तो सामान्य और है, मतलब महिलाओं आप और नवाचार थोड़ा आप कुछ सोच के बताइए, आप आराम से सोच के विचार के जवाब दे सकते हैं कि कुछ नया ऐसा जो सामान्यतः कोई एसडीएम नहीं करते हैं बाकी, और आपके कुछ ऐसे विजन हो कि मैं ऐसा करूंगा, तो कुछ ऐसा विशेष जैसे ग्रीवेंसेस सुनना तो सभी करते हैं। सर मैं जो मेरे लंबे जो सेवा काल का अनुभव है उसको मैं कहीं ना कहीं इस्तेमाल बेहतर करके और प्रशासन में अपना बेहतर योगदान दे सकता हूँ। पिछले एक दो सालों में आपने सरकारी सेवा के अलावा कुछ एक विशेष अगर अपने जीवन में किया हो तो वो बताएं आप। सर मैंने सर लॉकडाउन के दौरान सर ऐसे लोगों की मदद की है जिनके पास में खाने पीने की दुविधा थी तो मैंने स्वयं अपने स्तर पर और दूसरे लोगों से थोड़ा मैनेज करके और उन लोगों तक ये राहत का कार्य पहुंचाने का मैंने काम किया है सर, जिसे मैं एक अच्छा काम मानता हूं। इसके अलावा कुछ क्षमा चाहूंगा सर रिकॉल नहीं कर पा रहा हूं। अच्छा, ये बताइए कि ये विशाखा गाइडलाइन के बारे में आप कुछ जानते हैं? बताइए। सर ये कार्यस्थल पर महिलाओं की सुरक्षा से संबंधित है, जो लैंगिक जो दुराचार उनके साथ में किया जाता है उसके संबंध में सर उसके लिए एक विभागीय लेवल पर कमेटी गठित करने का उसके अंदर प्रावधान है और यदि उस महिला द्वारा कोई शिकायत की जाती है तो उसका समुचित निस्तारण करवाने का प्रावधान है। इसका मुख्य उद्देश्य सर महिलाओं को जो है एक आत्मसम्मान और जो कार्यस्थल पर जो एक सुरक्षा का भाव है वो पैदा करके और कार्यशील जनसंख्या के अंदर उनकी कार्यशीलता को कार्यशीलता में वृद्धि करने का जो है मुख्य इसका जो उद्देश्य है सर। कितने महीने की सजा दे सकती है वो कमेटी अगर कोई पाया जाता है दोषी तो? सर क्षमा चाहूंगा मुझे सजा के समय का सर मुझे वापस देखना पड़ेगा सर। अच्छा,
फिर भी अंदाजा लगाइए कुछ, कितनी सजा दे सकती होगी वो कमेटी? सर सॉरी सर, मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ सर। अच्छा, सजा दे सकती है कि नहीं दे सकती, इस पे क्या कहना आपको? सर चूंकि कमेटी सजा नहीं दे सकती, वो जांच करके और रिपोर्ट दे सकती है और विभागीय स्तर पर उसकी कार्रवाई होकर के, और ज्यादा गंभीर मामला है तो सर न्यायालय में जाया जा सकता है। इस प्रकार का सर मेरा व्यक्तिगत विचार है। आत्मनिर्भर भारत जो है, इसके कुछ पिलर बताए गए हैं, 5 पिलर, किसी का कुछ 2-3 के नाम आपको अगर याद हो तो बताएं हम। सॉरी सर, मेरे थोड़ा भी याद रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ सर। निजीकरण और निवेश में कुछ फर्क है क्या, ये बताएं। सर निवेश जो है वो सर एक शेयर होता है, वो किसी जो है पॉलिसी के तहत लाया जाता है, और निजीकरण जो है हमारा जो स्वामित्व है वो कम कर दिया जाता है, तो इसमें सर ये अंतर है सर मुख्य रूप से। ठीक है, नेक्स्ट मेंबर जी। सर मैं पूछ जी। हाँ ओके ओके। हाँ प्रकाश जी, बॉडी बिल्डिंग आपकी हो गई? नमस्ते सर। हाँ सर नमस्ते। वीडियो ऑन करो सर। स्वामी विवेकानंद का एक कथन है कि यदि एक बच्चा 1 घंटे पूजा करने की बजाय आधा घंटा फुटबॉल खेलता है तो वो कहीं अच्छी बात है, तो आप सहमत हैं क्या इस बात से? सर पूजा अपने स्थान पर उसका अलग, उसकी अलग से भूमिका है, और सर फुटबॉल खेलने की अलग भूमिका है, किंतु यदि कंपैरेटिवली यदि देखा जाए तो शारीरिक और मानसिक रूप से एक फुटबॉल का खिलाड़ी है वो बेहतर हो सकता है, किंतु सर हम इसको लेकर के पूजा से सर सीधे सीधे हम इसे तुलना नहीं कर सकते। पूजा का जो है आध्यात्मिक पहलू से, व्यक्ति के आध्यात्मिक पहलू से संबंध है, और जो खेल है वो हमारे शारीरिक और मानसिक विकास से संबंधित है सर, मेरा ऐसा विचार है। आपने बात की पूजा की और आपकी पॉलिटिकल साइंस भी शायद विषय रहा है आपका जहां तक मैं सर। हाँ तो आप ये बताइए मुझे कि हमारा जो संविधान है उसमें जो प्रस्तावना है उसमें कुछ स्वतंत्रताएं दी गई हैं, क्या उनमें ऐसा कुछ अवयव शामिल है जो अभी आपने बताया है, पूजा से, पाठ से या उपासना से, कुछ ऐसा है? हाँ सर है, धर्म विश्वास उपासना अभिव्यक्ति और विश्वास की स्वतंत्रता से संबंधित है सर, 5 प्रकार की स्वतंत्रताएं बताएगी। कौन कौन सी हैं, याद कीजिए इनको, 5 कौन से हैं? धर्म विश्वास उपासना, चलो धर्म विश्वास उपासना सर, दो सर स्लिप हो रही है। ओके कोई बात नहीं। आप क्या स्वतंत्र, हमारी प्रस्तावना में कुछ न्याय है उनका भी उल्लेख किया गया है, न्याय, न्याय की स्थापना, तो किस प्रकार की न्याय की स्थापना की गई? हमारी जो संविधान की प्रस्तावना है उसमें कुछ न्याय की व्यवस्था की गई, ऐसे न्याय समाज के लिए सुनिश्चित किए जाने चाहिए, कौन से न्याय है? सर 3 प्रकार के न्याय बताए गए, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। अच्छा, तो सामाजिक न्याय है उसके लिए आप क्या मानते हैं, सरकार ने कहा क्या हमारे जो मूल अधिकार हैं वहां पर कौन से ऐसे अनुच्छेद हैं जहां पर सामाजिक न्याय की सुनिश्चितता करने का प्रयास किया गया? सर इसमें से मुख्य रूप से हम 15(4) और 16(4) 16 clause 4 को हम देख सकते हैं सर, जिसमें रिजर्वेशन का जो है प्रावधान लिंग और जाति के आधार पर किया गया है सर, सामाजिक सुरक्षा के लिए और सामाजिक न्याय के लिए। अभी जो EWS के जो आरक्षण की व्यवस्था की गई है, आपने 16(4) की बात की, तो क्या हमारा संविधान ये कहता है आर्थिक आधार पर आरक्षण दिया जा सकता है किसी वर्ग को? सर आरक्षण का जो मूल रूप से शुरू में जिस समय सर संविधान निर्माताओं ने आरक्षण के प्रावधान रखे थे उस समय सर आर्थिक रूप से यदि हम देखें तो देश के अंदर काफी बड़े स्तर पर गरीबी व्याप्त थी, तो गरीबी इस तरह की समस्या नहीं थी कि जिसे दूर नहीं किया जा सकता था, तो उस समय को देखते हुए सर उन्होंने जो है समाज की सामाजिक स्थिति और शैक्षणिक स्थिति को विशेष रूप से लिया था, और समय के साथ में सर अब जैसे जैसे परिवर्तनशील समय है तो उसमें सर वर्तमान में आर्थिक रूप को भी इसके अंदर जोड़ा गया है। तो वर्तमान परिदृश्य की मैं बात करूं तो क्या आप नहीं मानते कि व्यक्ति की आर्थिक स्थिति से उसकी सामाजिक
और जो उसकी जो शैक्षणिक जो पृष्ठभूमि है वो प्रभावित होती है क्या आर्थिक कारकों का? सर इसमें मेरी ये राय है कि आर्थिक आधार पर व्यक्ति की शैक्षणिक जो पृष्ठभूमि है वो निश्चित रूप से प्रभावित हो सकती होगी सर, किंतु सर सामाजिक जो है वो प्रभावित होगी ऐसा सर अनिवार्य रूप से नहीं है, ऐसा मेरा मानना है। अनिवार्य रूप से नहीं है या है ही नहीं, आप कितना कितनी संभावना मानते हैं इसकी? नहीं यदि सर देखा नहीं है कि कोई व्यक्ति आईएएस बन जाता है तो उसके बाद क्या उसको सामाजिक सम्मान उसका बढ़ता नहीं है पहले ज्यादा? नहीं सर सामाजिक सम्मान बढ़ता है सर, लेकिन जिस प्रकार से एक जो जिस प्रकार की उसकी पहचान है सर, जिस पहचान को वो लेकर के चलता है उस वो सर उसके एक समानता का लेवल नहीं आता सर। आईएएस बनने से सर उसका आर्थिक जो है वो उद्देश्य पूर्ण हो सकता है सर, किंतु सर यदि ऐसा हम मानेंगे कोई व्यक्ति जो है किसी औहदे को प्राप्त करता है तो उसकी सामाजिक सामाजिक जो है परिभाषा बदल जाती है, ऐसी संभावना सर कम है सर वर्तमान समय में। अच्छा एक सामाजिकरण की प्रक्रिया होती है, ये क्या है सामाजिकरण किसे कहते हैं या फिर एक सर एग्जैक्ट मैं नहीं बता पाऊंगा, यदि और संस्कृति यदि आप इजाजत दें तो सर मैं प्रयास कर सकता हूँ। संस्कृतिकरण के बारे में सुना है आपने? संस्कृतिकरण के बारे में समझ आऊंगा। संस्कृतिकरण समाजशास्त्र आप विषय पढ़े हैं, आप पढ़ के आए हैं मुख्य पाठ्यक्रम में। हाँ सर संस्कृतिकरण क्या होता है? सर जो समाज के अंदर उच्च जातियों के द्वारा जो रीति रिवाज जो है काम में ले जाते हैं उनको सर तथाकथित निम्न जातियों द्वारा जो है उनका अनुकरण करना संस्कृतिकरण है। ओके डॉक्टर अंबेडकर का आप मुझे महिला उत्थान के लिए योगदान बताइए कुछ, उन्होंने महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए कुछ प्रयास किए हों ऐसे कोई बताइए बिंदु। सर महिलाओं के लिए सर उन्होंने रिजर्वेशन का जो एक प्रावधान किया सर कमजोर वर्ग उन्होंने माना है और रिजर्वेशन का इन्होंने प्रावधान किया है। ये आप जिसने हिंदू मैरिज एक्ट में के तहत कुछ ऐसा किया हो ऐसी तो स्थिति नहीं है कि हिंदू जो महिलाएं हैं हिंदू मैरिज एक्ट आप पढ़ा होगा आपने कभी, तो वहां बताइए मुझे ऐसा कोई प्रयास किया हो कि जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाई हो। ज्यादा जानेंगे दलित उद्धारक के रूप में या फिर महिला उद्धारक के रूप में जानेंगे? सर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने सर समाज के सभी वर्गों के लिए कार्य किया है और उन्होंने समाज को एक समानता का जो है वो दर्जा देने का पूर्ण रूप से प्रयास किया है, किसी वर्ग विशेष के विरोध में कार्य नहीं किया है, किसी वर्ग विशेष के समर्थन में कार्य नहीं किया। यदि भी इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि कमजोर और वंचित और दलित वर्ग के लिए उन्होंने जहां उनको जरूरत थी तो उनके लिए उन्होंने कार्य किया है, लेकिन किसी वर्ग विशेष को आधार बनाकर या उसको जो है उद्देश्य बनाकर कार्य नहीं किया है सर। नहीं वही मैं आपसे कह रहा हूं कि जब डॉक्टर अंबेडकर को सिर्फ दलित उद्धारक तक सीमित किया जाता है तो मैं मानता हूं कि उनका महिला उद्धारक का जो रूप है वो प्रस्तुत न कर पाना उनके साथ अन्याय है। तो क्या आप मानते हैं कि आपको उनका जो महिलाओं के उत्थान के लिए सशक्तिकरण के लिए जो योगदान है वो क्या रहे हैं, उस पर मैं मेरी बात कर रहा हूं। सर समझ चाहूंगा सर थोड़ा आपका प्रश्न वो अंतिम जो कुछ लाइन है मैं सर सुन नहीं पाया सर, थोड़ा रिपीट करिए प्लीज। चलिए कोई बात नहीं आगे बात करते हैं हम। आप मुझे ये बताइए वर्तमान में ऐसी राजस्थान की कौन सी तीन समस्याएं हैं जो महिलाओं के सशक्तिकरण में बाधक हैं? सर महिलाओं के सशक्तिकरण में सर एक तो इनको सर आर्थिक जो संबल है उसकी कहीं कमी है सर, निर्णय लेने की उनके अंदर क्षमता का जो है वो कमी है सर, और खेलों में और स्पोर्ट्स में आगे आने में उनकी कमी है सर, और राजनीतिक दृष्टि से सर अभी भी जैसे सरपंच आदि में उनको जो व्यवस्था दी गई है वहां पर उनके सरपंच पति और जो घरवाले हैं वो लोग आज भी जो है और मतलब जो है उनकी तरफ से प्रतिनिधित्व तो करते हैं, यदि भी उनको रिजर्वेशन दिया गया है लेकिन वो सशक्त रूप से निर्णय लेने में अभी भी जो है पीछे है, और घर की जिम्मेदारी और सर बच्चों की पूर्ण रूप से जिम्मेदारी महिलाओं के ऊपर है और बच्चियों के ऊपर होने की वजह से ये समस्या है सर।
आपने अभी तक अपने परिवार से किस महिला को कभी राजनीतिक रूप से सशक्त होने का अवसर उपलब्ध कराया आपने अपने प्रयास से? सर मैंने मेरे प्रयास से राजनीतिक रूप से सशक्त ये जरूर किया सर, जो वो जो वोट कास्ट करती हैं, जो वोट डालती हैं, तो वो मेरा ये मानना है कि वो खुद से डालें, उसके लिए मैं प्रेरित करता हूँ कि आप अपनी इच्छा से जिसको आप उचित समझते हैं उनको डालिए, इतना मैंने जरूर किया है सर। किंतु सीधे रूप से किसी राजनीतिक पार्टी से जोड़ने आदि का मैंने कार्य या इस प्रकार का मैंने कार्य नहीं किया सर। तो ऐसा भी तो हो सकता है आप उनके कहने से वोट डालें, ऐसा भी कभी आपने किया है कि उनकी इच्छाओं का आप सम्मान करें, वो कहती है वहां आप वोट डालें? नहीं सर, इस प्रकार उनका सर मैं व्यक्तिगत रूप से सर नहीं मानता हूँ, ये मेरा व्यक्तिगत अधिकार है और मेरा मौलिक अधिकार है, तो मुझे मेरे विवेक के आधार पर उसका इस्तेमाल करना चाहिए। यदि मुझे सुननी सबकी चाहिए, किंतु अंततः मुझे मेरे अनुसार ही निर्णय लेना चाहिए। थैंक्स। नेक्स्ट मेंबर प्लीज। जी आपके ग्रेजुएशन में कौन कौन से सब्जेक्ट हैं सर? सर समझ चाहूंगा सर, सुने आपके ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट कौन कौन से रहे हैं सर? मेरे हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस और इंग्लिश लिटरेचर रहे सर। अच्छा, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस और इंग्लिश लिटरेचर। आप हिस्ट्री का प्रशासन में किस तरह से उपयोग करेंगे सर? हिस्ट्री का सर प्रशासन में उपयोग करने का सर सीधा सा संबंध है कि इतिहास में जिस प्रकार की गलतियां की गई उसे दोहराना नहीं, और इतिहास के जो पॉजिटिव पॉइंट्स है उनको सर प्रशासन के अंदर लागू करने का प्रयास करना है, जिससे कि एक बेहतर प्रशासन दिया जा सके। आप ऐसे कौन से पॉइंट आपने इतिहास से सीखे जो आप प्रशासन में लागू करेंगे? जैसे सर तुगलक की जो नीतियां हैं उसके अंदर अपन देख सकते हैं कि सर जब तक व्यवहारिक रूप से यदि हम किसी चीज नीति को धरातल पर नहीं उतार सकते तो उनसे हमें यथासंभव बचना चाहिए सर। और इसके साथ ही सर जैसे अशोक महान और अकबर महान ने जो प्रशासन में अपनी नीतियां और जो समाज की समरसता और सौहार्द को लेकर के कार्य किया था, तो उन कार्यों के द्वारा उन कार्यों को फॉलो करते हुए यदि हम संचालित करते हैं तो मैं समझता हूँ कि एक बेहतर प्रशासनिक अधिकारी के रूप में सफल हुआ जा सकता है। अच्छा, अब आपने अभी जैसे तुगलक की बात की कि मोहम्मद बिन तुगलक ने जो नीतियां अपनाई थी वो व्यवहारिक नहीं थी। कई जो इतिहासकार है वो मानते हैं कि तुगलक बहुत रचनात्मक व्यक्ति था, ये एक ऐसा राजा था जिसने कि उस समय तात्कालिक समय से आगे की उसकी सोच थी, बस उसकी नीतियों का क्रियान्वयन सही नहीं था, लेकिन उसका जो उसकी नीतियां थी वो क्या लगता है कि उसकी नीतियां गलत थी या कहाँ समस्या थी, उसकी नीतियों क्यों ये असफल क्यों हो गई थी बताइए सर। समझ चाहूंगा आपका पूर्ण प्रश्न भी समझ में नहीं आया, किंतु फिर भी जितना समझ में आया सर वो मैं मेरे हिसाब से सर उत्तर दूं यदि आपकी इजाजत हो तो। बताइए। हेलो, मैं ये कहना चाहता हूं कि जो तुगलक की जो नीतियां थी वो आप कह रहे हैं कि उसकी नीतियां सही नहीं थी। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि उनकी जो तुगलक ने जो नीतियां अपनाई थी बहुत रचनात्मक थी और समय से बहुत आगे थी, आपका क्या मानना है उसकी नीतियां जो थी वो असफल क्यों हुई? सर इतिहासकारों ने अपने हिसाब से एनालिसिस किया है सर, जिस प्रकार आपने फरमाया कि सर समय से काफी एडवांस थी, तो सर समय आने पर ही जो नीति समय के अनुसार होनी चाहिए मेरा मानना है कि वही नीति लागू होनी चाहिए। यदि मान लीजिए हम 22वीं शताब्दी की नीति यदि 21वीं शताब्दी में लागू करेंगे तो हो सकता है वो सर जल्दबाजी हो, और जल्दबाजी में किया गया कार्य सर जो है वो खराब भी हो सकता है। तो आपको क्या लगता है कि जो समय आने पर जो नीति, आप किसी नीति को किस आधार पर ये कह सकते हैं कि ये उस समय की नीति है या ये आगे की नीति है या ये वर्तमान समय की नीति है, आप किस आधार पर इसको डिफाइन करेंगे? सर वर्तमान परिस्थितियां हैं और सर जो आधार है और जो सर अवेलेबल संसाधन है और टूल्स हैं और आप जिस प्रकार से कार्य करने की आपके पास में शक्तियां हैं तो सर काफी कुछ सर 90% जो है व्यक्ति उस चीज को भांप सकता है यदि उसको सही तरीके से उसका एनालिसिस करे, विश्लेषण करे और विचार विमर्श करके सही निर्णय ले, तो मुझे लगता है सर कि 90% तक जो है वो अपन उसमें सफल हो सकते हैं, 10% सहयोग से सर एक अलग चीज हो जाती है सर। अच्छा, और आप भी आपने अकबर महान और अशोक महान की बात की, ये भी एक विवाद का विषय रहा है कि जो अकबर और प्रताप दोनों में से कौन महान है, आप किसे महान मानते हैं?
सर दोनों सर उनके अलग अलग संदर्भ है सर, तो अपने अपने संदर्भ में दोनों ही अपनी अपनी जगह सही स्थिति में हम पाते हैं सर। जैसे हम महाराणा प्रताप को देखते हैं तो अपने स्वाभिमान के लिए, अपनी मातृभूमि के लिए जो एक राजा को अपनी रक्षा करनी चाहिए किसी भी हद तक जाकर वो उन्होंने अपना प्रयास पूर्ण रूप से किया है। और चूंकि सर जो अकबर जो है वो हिंदुस्तान का बादशाह था तो उसका साम्राज्य विस्तार करने का उसका धर्म था, और उसने जो है साम्राज्य विस्तार करने के लिए अपना कार्य किया, तो हम दोनों को ही तुलनात्मक रूप से किसी को कमतर नहीं कह सकते, दोनों ने अपना अपनी ड्यूटी जो की है वो की है सर। आप व्यक्तिगत रूप से किसे महान मानेंगे? आपका व्यक्तिगत सर, व्यक्तिगत रूप से सर दोनों को बराबर, मैं सर दोनों को बराबर मानता हूँ, क्योंकि दोनों का जो रोल था वो अपने अपने स्तर पर रोल निभाया हुआ बहुत बेहतर रोल था, तो मैं दोनों को सर बराबर मानता हूँ, मैं किसी को भी किसी आधार पर कमतर नहीं मान सकता। अच्छा ठीक है, और अब आप आपकी जो जॉब है, जॉब प्रोफाइल, उसमें आपने सांख्यिकी निरीक्षक, अरे जो सहकारिता निरीक्षक के रूप में आपने सेवाएं दे रहे हैं अभी सर, मुझे बताइए कि जो हालिया समय में जो राजस्थान सरकार ने सहकारिता के क्षेत्र में क्या क्या कुछ नए कदम उठाए? सर वर्तमान में हाल ही के अंदर एक विजिलेंस टीम का निर्माण किया गया है, जिसके अंदर क्रेडिट प्रॉपर्टी सोसाइटियों में जो गबन हुए हैं, जो पब्लिक का पैसा लेकर के वो उन्होंने उसका दुरुपयोग किया है और गबन किया है, उसके लिए विजिलेंस टीम का निर्माण किया है, जिसमें पुलिस प्रशासन और विधि से विधि विभाग से कुछ लोग और सहकारिता विभाग से लोग मिलकर के जो है वर्ष में दो बार उनके अकाउंट्स की ऑडिट करेंगे। और इसके अतिरिक्त सर कृषकों के ऋण के लिए सर फसली ऋण की भी व्यवस्था की है, जो फसल जो है उसको फसल के आधार पर उनको ऋण दिया जाएगा, जो छोटे किसानों को 1.5 लाख तक और उसके अलावा जो बड़े किसान होंगे उनको 3 लाख तक का ऋण देने का प्रावधान किया है सर। अच्छा, और भी इसमें कृषि क्षेत्र में और भी कुछ सहकारिता के क्षेत्र में नए कदम उठाए गए हैं क्या? समझ चाहूंगा सर, सहकारिता के क्षेत्र में जो कृषि सहकारिता है उसमें आपने जैसे एक फसली ऋण की बात की, उसमें कुछ विशेष बातें जो की सहकारिता से संबंधित हो या फिर उसका डिजिटलाइजेशन के माध्यम से इसको और अधिक विस्तार करने के कुछ प्रावधान किए गए, जानकारी है उसके बारे में? सर वो अभी ऋण जो है वो किसान ऑनलाइन उसका आवेदन कर पाएंगे, इससे क्या है पारदर्शिता बढ़ेगी और करप्शन कम होगा, इस प्रकार के राजस्थान सरकार ने कदम उठाए हैं। और राजस्थान में सहकारिता के कौन कौन से उदाहरण देखने को मिलते हैं? एक हम कृषि के क्षेत्र में सहकारिता देखते हैं, और कोई उदाहरण है जिसमें सहकारिता किन किन क्षेत्रों में देखने को मिलती है? सर एनजीओ के रूप में, प्राइवेट स्कूल्स के रूप में, स्पोर्ट्स के जो जो संघ बने हुए हैं, जिला संघ जितने बने हुए हैं सर, वो सहकारिता जो विभाग ही उनका जो रजिस्ट्रेशन करता है, और उनके अंदर सर वो चुनाव आदि की जो व्यवस्था है वो सहकारिता विभाग करता है। और एनजीओ हैं सर, स्वायत्त जो शासित संस्थाएं हैं, वेलफेयर की जो संस्थाएं हैं, वो सोसाइटियां जो है वो सहकारिता विभाग देखता है सर। और क्रेडिट और कोऑपरेटिव सोसाइटीज, अपनी बचत घर योजनाएं और कोऑपरेटिव एरिया, इस हिसाब से सर काफी विस्तृत है सर, कृषि के अतिरिक्त भी। और सहकारिता का जो संवैधानिक दर्जा भी दिया गया है सहकारिता को, या कहें कि सहकारिता समितियों को, उसके बारे में कुछ जानकारी है? कब दिया गया, किस आर्टिकल में है? समझ चाहूंगा सर, आपका प्रश्न नहीं सुनाई दे रहा था। जो सहकारी समितियां हैं उसको संवैधानिक दर्जा दिया गया, उसके बारे में कुछ जानकारी है आपको? हेलो सर, आवाज कट रही है आपकी सर। हेलो, हाँ सर आवाज कट रही है सर, समझ चाहूंगा आपकी। हेलो, अब आवाज आ रही है? हाँ आ रही है सर। सर जो सहकारी समितियां हैं उसको संवैधानिक दर्जा दिया गया है, हाँ सर, उसके बारे में बताएंगे मुझे कुछ? सर वो 97 अमेंडमेंट 2011 के द्वारा सर भाग 9 ख जोड़ करके सर संवैधानिक दर्जा दिया गया है, जिसके अंदर सर जो है वो टाइमली इलेक्शन और बोर्ड का रिजर्वेशन और उसको एक मौलिक अधिकार दिया गया है सर। 19(1)(ग) जो है इसके अंदर जोड़ा गया है, नीति निर्देशक तत्वों के अंदर भी इसको जो है जोड़ा गया है सर, 43 सेक्शन के अंदर सर, और इसमें सर और उनके इलेक्शन की क्या बनाया गया सर, और उनके इलेक्शन की क्या प्रोसेस रहती है, किस स्तर पर इलेक्शन होते हैं सहकारी समिति, और इलेक्शन करवाता कौन है? सर 5 वर्ष बाद में, 5 वर्ष बाद में सर उसके इलेक्शन करवाना अनिवार्य है सर।
अच्छा तो मेरा किंतु सर वर्तमान में काफी ज्यादा समय भी हो जाता है, तो उसके लिए सर सरकार को प्रयास करके और यथा समय 5 वर्ष पश्चात सर इलेक्शन करवाने चाहिए। ये मेरा अंतिम क्वेश्चन है, जो सहकारी समितियां होती है उसको जो इलेक्शन होता है, ये इलेक्शन करवाया किसके द्वारा जाता है? इसके लिए अलग से कोई गवर्निंग बॉडी है या फिर किस आधार पर इलेक्शन होते हैं? सर कम्युनिकेशन प्रॉब्लम हो रही सर, थोड़ी सी मुझे समझ में नहीं आया सर प्रश्न, थोड़ा रिपीट करिए प्लीज। जो सहकारी समितियां हैं उनके इलेक्शन है, इसके लिए क्या कौन सी गवर्निंग बॉडी कार्य करती है? इलेक्शन कौन करवाता है सहकारी समितियों के? सर जहां तक मैं समझ पा रहा हूँ सर, सहकारी का निरीक्षक और जो दूसरे अधिकारी हैं वो सर सहकारी समितियों के अंदर चुनाव करवाने का कार्य करते हैं, जो स्वतंत्र रूप से उनको जो है चुनाव होकर के उनका वोट बने सर। ठीक है, थैंक यू सर। यदि मैं आपके प्रश्न को पूर्ण रूप से समझ नहीं पाया हूँ सर, मैंने समझ के आधार पर आपको उत्तर दिया है। ठीक है, थैंक यू सर। फीडबैक शुरू करो सर। मैं ही बताऊं पहले? हाँ हाँ, आप शुरू कर दो सर। ये जो सहकारिता वाला है ये आपने ठीक बताया, कुछ पॉइंट्स में जैसे इतिहास वाले है उसमें मुझे लगता है कि आपने जो या तो क्वेश्चन सही से समझ नहीं पाए, उस वजह से आपने मुझे लगता है कि थोड़ा सा ऐसे जो तुगलक वाला है कुछ मुझे लगता है कि उसमें आपको और स्पष्ट होना चाहिए था। बाकी बाकी आपके ठीक है आंसर, मुझे ठीक लगे। थैंक यू सर, थैंक यू सर। हाँ सर, मैं बताता हूँ। एक तो सर मेरे जो प्रस्तावना की तरफ आपको लेके गया था मैं, तो वहाँ पर वो सर, जो हमारी प्रस्तावना जो है उसमें तो ऊपर नीचे हमसे नहीं होना चाहिए, और आप तो राजनीति विज्ञान के विद्यार्थी भी हैं, तो वो थोड़ा सा प्रस्तावना को देखो। हाँ, आरक्षण वाला जो क्वेश्चन था उस पर मैंने जैसी उम्मीद की थी उसी हिसाब से आपने हैंडल कर लिया, वो ठीक था पॉइंट की। प्रत्यक्ष रूप से जो शैक्षणिक जो आर्थिक स्थिति है वो शैक्षणिक रूप से प्रभावित करती है, लेकिन सामाजिक रूप से प्रत्यक्ष रूप से नहीं करती, तो वो ठीक था आपका वहाँ। और बाकी तो ठीक है, आप अनुभवी हैं निश्चित रूप से हमारे सबके लिए। नेक्स्ट मेंबर प्लीज। थैंक यू सर, थैंक यू सर। हेलो। हाँ सर, नमस्कार। हाँ प्रकाश जी, आपका तो बढ़िया ही होता है यार, आवाज वगैरह। नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं, सम्मानित बोर्ड का सर आशीर्वाद है और सम्मानित बोर्ड का ये सर योगदान है। तो सम्मानित मंच जो है वो बहुत ही खुश है आपकी परफॉर्मेंस से, और आपका आवाज वगैरह कॉन्फिडेंस वगैरह जो बहुत अच्छा है। और एक दो एक दो पॉइंट मैं थोड़ा सा कहना चाहूंगा, जो है ना और आपकी प्राथमिकताएं क्या होंगी, तो आपने तो आपसे कुछ अलग उत्तर की अपेक्षा करें ना, आपने वो सामान्य जवाब दिए। नवाचार में भी आपने वो रूटीन वर्क जो है वो नहीं बताने, जो एसडीएम का रूटीन वर्क होता है ना जो वो करता ही है, उसकी बजाय कुछ थोड़ा सा अलग बताने की कोशिश करनी है अपने को, जब नवाचार पूछे ना, या आपको क्यों ले, जब आपको क्यों ले पूछा तो उसमें आपने अनुभव वाली बात रखी नहीं, जबकि आपका अनुभव तो झलकता ही है ना, पता ही चलता है कि सीनियर आदमी इतना, तो आपको ये आपकी अपनी खास बात में आपने अनुभव का जिक्र ही नहीं किया, या आप अपनी योग्यता मान ही नहीं रहे, ये आपका पहला पॉइंट होना चाहिए सर। इतना लंबा सेवा में अनुभव है मेरा, एक मैंने बैलेंस किया अपने जीवन को, पारिवारिक जीवन और लोक जीवन अच्छा बैलेंस बिठाया है, और अनुशासित हूँ मैं, सरकारी सेवा का अनुभव है, सरकारी सेवा लोक सेवा के रूप में एक अलग प्रकार का अनुशासन है मेरे जीवन में, इस तरह करके अपनी मर्जी से कुछ भी अच्छा वो हाईलाइट पहले अनुभव वाला सबसे पहले हाईलाइट लेके चलिए ना, तो बाकी सब बढ़िया है, कॉन्फिडेंस अच्छा, और आवाज आपकी जो है वो एक गॉड गिफ्टेड है, बहुत अच्छी है, कई अभ्यर्थियों की तुलना में अच्छी पड़ती है आपकी। थैंक यू सर। एक प्रकाश जी, वो भी आपका बहुत अच्छा था, स्वामी विवेकानंद का जो कथन था, तो आप भारी मतलब बड़े विद्वान व्यक्ति का भी कथन है उसको भी आपने बैलेंस किया, वो भी मेरे को अच्छा लगा, आपने आध्यात्मिक और